जो मैं हूं ही नहीं, उससे मैं क्यों डरूं? आज एआई का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, मॉर्फ वीडियो न जाने कितनी बनती है और न जाने कितनी प्रदर्शित हो जाती है। लेकिन ये ठीक है क्या? मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया वालों, सभी मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज बुलाया हूँ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है भिलाई की राजनीति में? पहले मुझे गुंडा मवाली और सट्टे से जोड़ा गया, जब महादेव आईडी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ आने लग गया, हमने वो विषय उठाया, तो अब एक फर्जी MMS लीक इन लोगों ने किया जिसपे ये कह रहे हैं कि वो देवेंद्र है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप जितना भी कर लो, लेकिन आप मेरे सार्वजनिक जीवन के बाद आज मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी तकलीफ में पहुंचा रहे हो। भाई मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी माँ है, मेरी भी घर पे बहनें हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी भतीजे भांजे हैं, और आप इस तरीके के गंदे वीडियो शहर के अंदर प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हो, तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है वो कर लो। लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं बर्दाश्त करेगा और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार जितना बनाना था, ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए बीजेपी के लोगों को। लड़ सकते तो आओ ना जमीन में, लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो, भगवान नहीं माफ करेगा। और मैं डरता नहीं हूं, करा लो जांच, जिससे करानी हो उससे करा लो, और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई, क्योंकि मैं जानता था इन लोग इसी तरह की गंदगी करेंगे, और ये आज आपके बीच में ला रहे हैं। ये पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था, जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस की तरफ से शिकायत की थी थाने में, और सभी चीज़ों को हमने किया है। लेकिन अब हद हो गई यार, चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़ो, आओ मैदान में और पॉजिटिव बात करके चुनाव लड़ो, दम है तो, हिम्मत है तो, लेकिन ये गंदगी करके चुनाव मत लड़ो। और ये गंदगी करके जीत भी लोगे तो क्या दोगे भिलाई को? बर्बादी दोगे, गंदगी दोगे? भिलाई को बनाने की बात हो रही है, ऐसे गंदगी करके चुनाव जीतने की बात नहीं हो रही, और मैं ऐसी गंदगी में नहीं पड़ूंगा। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहने के लिए बुलाया था कि ये सब जो भी कर रहे हैं विपक्ष के साथी, ये गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा काम कर रहे हैं। इतना नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए, लड़ लो, सामने से लड़ो। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर लड़ना चाहिए, जिस पर बात करनी चाहिए, जनता कन्विंस हो सकती है आपसे, लेकिन ये तरीका बहुत ही गंदा है कि आप फेक MMS बनाकर लोगों को दोगे और फेक MMS के माध्यम से आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करोगे। नहीं कीजिए ऐसा, और आपकी भी छवि खराब हो रही है। आपको लोग बहुत जिम्मेदार आदमी मानते हैं, आपको शहर भी आपकी बातों को जिम्मेदारी से समझता है, लेकिन अगर आप और आपके कार्यकर्ता इस तरीके से गंदगी पे उतरेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा साख किसी की गिर रही ना, मेरे से ज़्यादा साख आपकी गिर रही है, इस बात को आप याद रखना, मेरे से ज़्यादा साख आपकी गिर रही है। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से मत प्रताड़ित करो भारतीय जनता पार्टी के साथियों, इस तरीके से नहीं, ये बहुत गंदगी है। और किसी में सच्चाई है, सच्चाई है तो लाओ ना सामने, प्रस्तुत करो ना, लेकिन ऐसे फेक वीडियो MMS बनाकर लीक करके आप मेरी छवि को नहीं खराब कर सकते। मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग देश भर के जानते हैं, लेकिन ये गंदगी नहीं चलेगी। आप लोगों के पास में IT एक्ट है, पुलिस के जरिए IT एक्ट के जरिए कोई भी इस तरह की मॉर्फिंग वगैरह करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है, और आपकी छवि को ऐसा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप इस विषय में जांच कराने के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ मानहानि करेंगे या जो भी कार्रवाई करेंगे कोर्ट जाएंगे?
देखिए ऐसा है कि इसकी जांच करने के लिए तो मैंने लिख दिया है, इसमें फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट्स भी आ गई है, वो सब पक्ष में है, लेकिन मानहानि किस पे करूँ, कहाँ से ढूंढूँ कि कौन आदमी ने पहला निकाला था। पुलिस के हिसाब से तो ये हैदराबाद से सबसे पहली गई भेजी गई थी, और पुलिस की टीम ने हैदराबाद भी भेजा, वहाँ से ये एक रिसाली के कुछ बच्चों के पास आए, कुछ ग्रुप्स में आई, और जिस नंबर से आया वो नंबर उस समय से अभी तक बंद है, वो नंबर चालू नहीं है जिस नंबर से आया, पुलिस का ये कहना है। तो आइडेंटिफाई किसको करूंगा, किसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा? अब तो सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लोगों को डाल रहे हैं, और किससे क्या बदला लूं मैं भाई? ये तो मेरा जीवन या मेरे चरित्र पर इस तरीके से, मतलब मेरा व्यक्तिगत जीवन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। मैं क्या आरोप किसी के को मानहानि भी करके मैं क्या पाऊंगा? कुछ नहीं पाऊंगा। मेरी जो मानसिक तकलीफ मुझे हो रही है या मेरे परिवार को हो रही है, वो कौन लाएगा? वो किसी भी इससे नहीं आएगा, मतलब मानहानि से नहीं आएगा। ये हानि ऐसी है जिसका कोई भी उपाय नहीं है, ये हानि ऐसी है जिसका कोई भी समाधान नहीं है, ये दुख देती है। इसके लिए बस इतना ही चाहूँगा मैं कि भविष्य में इस तरीके की इतनी गंदी राजनीति ना हो, इसका संदेश जाए, और इसका संदेश अगर कोई दे सकता है तो वो मीडिया दे सकती है और भिलाई की जनता दे सकती है। और कोई सवाल? वो सिम किसके नाम से रजिस्टर्ड है? अब उसकी डिटेल पुलिस विभाग के पास जानकारी होगी, मुझे नहीं जानकारी है।